यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। साल 2014 केंद्र की सत्ता में गुजरात के सबसे सफलतम राजनीतिज्ञों में शुमार नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ। वो प्रधानमंत्री बने और इससे पहले लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में घूमकर सरकार के भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा हथियार बनाया। साथ ही साथ कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का संकल्प भी उनकी ओर से लिया गया। कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? कि मैंने अपनी मां को अड़ोस पड़ोस के घर में बर्तन साफ करके पानी भर के हमें संस्कारित करने का श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जीत का जो सिलसिला 2014 में लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ वो 2017 आते आते राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए जश्न का माहौल लेकर आया। हालांकि ये साल कांग्रेस के लिए भी कुछ हद तक जान फूंकने वाला रहा। 2017 में कुल 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए और 5 राज्यों में सत्ता परिवर्तन देखने को मिला, जबकि 2 राज्यों गुजरात और गोवा में बीजेपी ने सत्ता बचाते हुए सरकार रिपीट की। इन चुनावों ने विधानसभा सीटों का गणित भी बदला। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा और राज्यसभा में भी मामूली परिवर्तन देखने को मिले। विधानसभाओं में सीटों की गणना, उत्तर प्रदेश कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। केंद्र की सत्ता पर विराजमान बीजेपी को 17 साल बाद यूपी में सत्ता का सुख भोगने को मिला। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि बीजेपी की ऐसी लहर चली कि दोनों प्रमुख पार्टियां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी धराशाही हो गई। 2012 में जो समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में आई थी वो 2017 में 403 में से महज 47 सीटों पर सिमट गई। वहीं जिस बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर इतिहास रचा था वो सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत सकी। सबसे पहले बात यूपी विधानसभा चुनाव 2017 की। भारतीय जनता पार्टी 312 सीटें जीती, 2012 में 47 सीटें अपने नाम की। समाजवादी पार्टी 47 सीटें जीती, 2012 में 224 सीटें अपने नाम की। बहुजन समाज पार्टी 19 सीटें जीती, 2012 में 80 सीटें अपने नाम की। कांग्रेस पार्टी 7 सीटें, 2012 में 28 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। पंजाब राजनीतिक रूप से उत्तर भारत का ये अहम राज्य कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार बनाई और बीजेपी के सहयोगी शिरोमणि अकाली दल को उखाड़ फेंका। यह मुकाबला त्रिकोणीय रहा और पहली बार राज्य के चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। हालांकि चुनाव से पहले तक आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल नजर आ रहा था। पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 शिरोमणि अकाली दल 15 सीटें, 2012 में 56 सीटें अपने नाम की। कांग्रेस 77 सीटें, 2012 में 46 सीटें अपने नाम की। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें, 2012 में 12 सीटें अपने नाम की। आम आदमी पार्टी 20 सीटें। उत्तराखंड नवंबर 2000 में देश के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ये पहाड़ी राज्य सत्ता परिवर्तन के लिए जाना जाता है। 2012 में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया और 5 साल सरकार चलाने के बाद 2017 में उसे भी गद्दी छोड़नी पड़ी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 भारतीय जनता पार्टी 57 सीटें,
2012 में 32 सीटें अपने नाम की, कांग्रेस पार्टी 11 सीटें, 2012 में 31 सीटें अपने नाम की, निर्दलीय 2 सीटें। गोवा कुल 40 सीटों वाली छोटी विधानसभा के जब नतीजे आए तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा 17 सीटों पर जीत मिली, लेकिन किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा हासिल नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि 13 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने निर्दलीय और दूसरे छोटे दलों के विजयी प्रत्याशियों को साथ लाकर सरकार बना दी। गोवा विधानसभा चुनाव 2017 भारतीय जनता पार्टी 13 सीटें, 2012 21 सीटें अपने नाम की, कांग्रेस पार्टी 17 सीटें, 2012 9 सीटें अपने नाम की, एनसीपी 1 सीट, 2012 में 6 सीटों पर जीत दर्ज की, निर्दलीय 3 सीटें। मणिपुर उत्तर पूर्व के इस राज्य में भी बीजेपी ने गोवा जैसी ही ट्रिक अपनाई। 7 सीटों वाली इस विधानसभा के चुनाव में हालांकि जनता ने कांग्रेस पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया और उसे 28 सीटों पर जीत मिली, लेकिन 2012 में सूबे की सियासत से बीजेपी ने 21 सीटें जीतने के बावजूद सरकार बनाई। मणिपुर विधानसभा चुनाव 2017 भारतीय जनता पार्टी 21 सीटें, 2012 शून्य पर सिमट गई, कांग्रेस 28 सीटें, 2012 में 42 सीटें अपने नाम की, टीएमसी 1 सीट, 2012 में 7 सीटों पर जीत दर्ज की, निर्दलीय 1 सीट। इन 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी की सरकार बनी और 1 में कांग्रेस को सत्ता मिली। हालांकि कांग्रेस को राहत देने वाले रिजल्ट मिले, लेकिन साल के आखिर में हुए गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों ने एक बार फिर कांग्रेस की हार के सिलसिले को बनाए रखा और बीजेपी की जीत का कारवां 2 कदम और बढ़ गया। गुजरात विधानसभा चुनाव 2017 भारतीय जनता पार्टी 100 सीटें, 2012 117 सीटों पर जीत दर्ज की, कांग्रेस 77 सीटें, 2012 में 61 सीटों पर जीत दर्ज की, निर्दलीय 3 सीटें, एनसीपी 1 सीट। हिमाचल विधानसभा चुनाव 2017 भारतीय जनता पार्टी 44 सीटें, 2012 26 सीटें अपने नाम की, कांग्रेस पार्टी 21 सीटें, 2012 में 36 सीटें अपने नाम की, सीपीआईएम 1 सीट, निर्दलीय 2 सीटें। साल की शुरुआत में 5 में से 4 राज्यों में सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने साल की आखिरी सीरीज में भी बढ़िया प्रदर्शन किया और 2 राज्यों के चुनाव में 2-0 से परचम लहराया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो मिशन पीएम नरेंद्र मोदी 2014 में लेकर चले थे वो दिसंबर 2017 तक आते आते अंजाम तक पहुंचता दिखा। जाली नोटों और काले धन पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 की रात सबसे बड़ा फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में ऐलान किया कि मंगलवार आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोट रद्दी माने जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि काला धन और जाली नोट भ्रष्टाचार के साथ आतंकवाद को भी मदद पहुंचा रहे थे। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में ये बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि 500 और 1000 के पुराने नोट बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर तक ये नोट बदले जा सकेंगे। काले धन के मुद्दे पर बनाई गई एसआईटी के चेयरमैन जस्टिस एमबी शाह ने कहा ये स्वागत करने लायक फैसला है। जिन लोगों ने कर चुकाए बिना संपत्ति बनाई है और जिन्हें सरकार ने इसके बारे में घोषित करने का मौका दिया था, कष्ट उन्हें होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नोट जमा किए जाने के बाद हर दिन 10,000 रुपए और हर हफ्ते 20,000 रुपए निकाले जा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि 9 और 10 नवंबर को कुछ एटीएम काम नहीं करेंगे, 9 नवंबर को बैंक बंद रहेंगे। उनका कहना था कि 11 नवंबर तक के लिए सरकार ने कुछ विशेष इंतजाम किए हैं। उन्होंने बताया कि दवाई की दुकान में डॉक्टर की दी गई पर्ची पर 500 या 1000 के नोट पर दवाई खरीदने की सुविधा उपलब्ध होगी। इसी तरह रेलवे टिकट बुकिंग काउंटर पर यही सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 2000 और 500 के नए नोट जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि काले धन को रोकने के लिए ये कड़ा कदम उठाया जा रहा है। भ्रष्टाचार
काला धन जाली नोट के खिलाफ इस महायज्ञ में इस लड़ाई में अपना योगदान दे सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि अगर इस फैसले से लोगों को दिक्कत होगी तो अनुभव ये कहता है कि लोग देश के लिए कष्ट उठाने को तैयार रहते हैं। नोटबंदी पर विपक्ष ने साधा निशाना, कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले पर सतर्क टिप्पणी की है। पार्टी नेता संजय निरुपम का कहना था कि ये बोल्ड फैसला है, उनका कहना रहा ये एक बड़ा फैसला है, जाली नोटों को रोकने के लिए ये फैसला कड़ा है लेकिन जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, इससे अफरा तफरी फैल सकती है। अगर सरकार मानती है कि बड़े नोटों की वजह से दिक्कत होती है तो 2000 रुपए का नोट क्यों लाया जा रहा है। स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार जीएसटी देश भर में लागू हो चुका है। ठीक रात 12 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ बटन दबाकर जीएसटी को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी का शुभारंभ करते हुए कहा कि जीएसटी एक ऐतिहासिक कदम है और इसे लागू करने के लिए सभी ने सकारात्मक रवैया अपनाया, जो कि संतोष की बात है। उन्हें इस बात का विश्वास था कि जीएसटी को लागू कर दिया जाएगा और उनका विश्वास सही निकला। Officially launched the GST. जीएसटी लॉन्च कार्यक्रम को शुरू करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश में नया इतिहास बना है और हम देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं। जीएसटी से एक टैक्स, एक देश और एक ही बाजार होगा और देश की आर्थिक विकास दर में बढ़त आएगी। जीएसटी की विशेषता है कि अलग अलग टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी लागू होने से जिस नई यात्रा की शुरुआत हुई है उसमें कई लोगों का योगदान रहा है। भारत में नया गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया है। जीएसटी काउंसिल ने 1200 से ज्यादा वस्तुओं सेवाओं के लिए टैक्स दरें तय की है। अलग अलग टैक्स श्रेणियां बनाई गई हैं जो 5 से 28% के बीच है। इनमें से 81% चीजें 18% टैक्स दर के नीचे आएंगी। खाने की बुनियादी चीजें मसलन दूध, नमक और अनाज वगैरह को जीरो टैक्स कैटेगरी में रखा गया है, तो कह सकते हैं कि देश की आर्थिक विकास दर में इससे बढ़त आएगी। तो आज हमने आपको अपने इस खास प्रोग्राम में बताया कि कैसे रहे मोदी जी की ये 4 साल, पीएम नरेंद्र मोदी ने कैसे और कितनी बदल दी है देश की तस्वीर। तो हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।